जैसे ही वो आए उसे घर ले जाना और उसे ये जरूर बताना कि बशीर साहब ने तुम्हें माफ कर दिया। इस सारा प्लान मूसा और इस आदमी का बनाया हुआ था। इन सब में बशीर साहब का और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और इसने इतराफ भी किया है। मेरा बेटा, मेरी बात मानो, उस लड़की का पीछा छोड़ दो। क्या वो यहाँ आई थी? यह सर आई थी, मगर हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इब्राहिम, तुम उस लड़की का पीछा कर रहे हो ना? कमांडर आप कैसे हैं? ये छोड़ो कि मैं कैसा हूं इब्राहिम, तुम इस वक्त कहां हो? कमांडर साहब, मैं उनके पीछे था मगर वो एकदम गायब हो गए। तीन लोग हैं और उनकी गाड़ी सरहदी इलाके की तरफ जा रही है। कमांडर साहब, कमांडर साहब, जल्दी से इस गाड़ी को ठीक करो। ठीक है ऑफिसर, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे नहीं भाग सकती। जानता हूं कि अब क्या करना है मुझे। एक एक बात बताओगी तुम मुझे, एक एक बात, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा करीम, मुझे उम्मीद है तुम मेरे पास जरूर आओगे। आसिया, आसिया, तुम मेरे ख्वाबों में क्यों आती हो? आखिर क्यों? करियो लड़की, छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूं छोड़ दो इसे, छोड़ दो उसे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, क्या कर रही हो? पकड़ो, कौन मेरी मदद करे? रुक जाओ लड़किया, मुझे इन लोगों से बचाओ, कोई मेरी मदद करे। इससे की कमी रह गई थी, कोई मुझे बचाए, मदद करे कोई। खुदा के लिए मेरी मदद करें, ये लोग मेरे पीछे पड़े, खुदा के लिए मुझे इन लोगों से बचा ले। तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली गई? तुम भी इन्हीं के साथी हो, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। भाईजान, इस लड़की की वजह से गाड़ी फंस गई है, वो भी दलदल में। ठीक है, तुम लोग जाकर गाड़ी को दलदल से निकालो। चलो चलते हैं। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए रहम करो। तुम भी जाओ और उनकी मदद करो, इस लड़की को मैं खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए, खुदा के लिए ऐसा ना करो। देखो मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या मुसीबत है यार, क्या हुआ, क्या मैं कुछ मदद करूं? ये तो वही है।
आवाज बंद करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। क्या चाहते हो तुम मुझसे? छोड़ दो। ये कैसी आवाज है? छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ। तुम चलाओ मेरे साथ। मेरी बात मानो, जिंदगी चाहते हो तो सरेंडर कर दो, नहीं तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। तुम लोग समझ गए? तुम अकेले हमसे लड़ोगे? मैं अकेला नहीं हूं, सबसे अच्छा दोस्त है मेरे साथ। कहां है तुम्हारा वो दोस्त? फिक्र ना करो, तुम सबको मिलवाऊंगा उससे। भाई कहां गया ये? ये अब कहां चला गया? दोस्त से मिलना था ना, चलो उससे मिलने का वक्त आ गया है। कहा था ना सरेंडर कर दो। लोग मेरी बात ही नहीं मानते। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। क्या मिलेगा तुम्हें ये करके? छोड़ो। क्या मुसीबत है? उठो मेरे साथ चलो। नहीं, छोड़ो। लड़की, मैंने कहा जाने दो मुझे। रुको, नहीं तो मार डालूंगा। रुको लड़की, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? रुको, ऐसा मत करो। पागल हो क्या? मेरी बात सुनो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैंने कहा रुको। नहीं, आखिर कहाँ हो तुम करीम? कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तुम्हें। कैसे हो दोस्त? तुम्हारा सफर भी खत्म हुआ। Oh!
अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। खुदा के लिए कोई मदद करे मेरी, कोई मुझे बचाए यहाँ से, कोई मेरी मदद करे। क्या कोई है, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई बचाए मुझे, या अल्लाह कोई तो मुझे बचाए। क्या कोई नहीं है यहाँ? क्या कोई यहाँ है? खुदा के लिए कोई मेरी मदद को आए। सुनो, फिर मुसीबत में डाल दिया मुझे, अब कोई चीज नहीं मेरे सर पर मारने के लिए। तुम फिक्र ना करो, बस आ रहा हूं मैं। तुम्हारी वजह से आना पड़ा। तुमने वो पढ़ लिया? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। क्या पढ़ने की बात कर रही हो तुम? बार बार मुसीबत में फंस जाती हो और मुझे आकर बचाना पड़ता है। इसका मतलब तुमने नहीं पढ़ा, तो फिर तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए क्यों आए हो? या अल्लाह, इतनी ऊंचाई से गिरी हो ना, इसलिए दिमाग घूम गया शायद तुम्हारा। अब तुम्हारे पास मारने के लिए कुछ नहीं है, गुस्सा ठंडा करने के लिए यहीं से कुछ उठाकर मार दो। लगता है जो तुम्हारे सर पर मारा था तुम अभी तक भूले नहीं हो उसे। पहले यहां से ऊपर चले जाएं, फिर बात करते हैं हम। ठीक है, पागल कहीं की। पर पहुंचकर बता देना मुझे। अभी तक पहुंची नहीं क्या? पहुंच गई हो तो पट्टी उतार लूं मैं। छोड़ो इसे। लो, फिर मुसीबत में पड़ गई। लड़की की मदद करोगे तो ऐसा ही होता रहेगा, कब जान छोड़ेगी इससे? बहुत बेवकूफ लड़की है। चल बेटा फिर मदद के लिए। तुम मेरी जान छोड़ दो। बस ऑफिसर, तुम्हारा खेल खत्म। तुम और तुम्हारे मुल्क के सब लोग एक जैसे ही हैं।
मुझे क्यों बचाया? तुमने तो कहा था तुम्हें मुझसे नफरत है, फिर क्यों? मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए खत छोड़ा था, उसमें सब कुछ लिख दिया था, क्यों नहीं पढ़ा तुमने? देखो, मैं तुम्हारी इन हरकतों से अब तंग आ चुका हूं। आखिर क्यों बचाया है तुमने मुझे, बताओ बताओ। कैसे? बताओ मुझे, कहां से मिला तुम्हें? तुमसे गिर गया था, मैं ले आई। समझ गया, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चलो जरा मेरे साथ। किसी ने बचपन में मुझसे वादा किया था कि जब हमारी शादी होगी तो तब मैं तुम्हें इस हार से भी बहुत अच्छा हार लेकर दूंगा। आगा कहाँ है? अंदर है आगा, अभी बहुत गुस्से में है वो, हम सबको बाहर निकाल दिया है। रुकैया मर गई है। मर गया हामिद, आगा तुम्हारी जान ले लेंगे। आगा आप ठीक तो हैं? हामिद मेरे इन हाथों को देखो, मैंने इनसे अपने वारिस को मार दिया है। आगा आपका कोई कसूर नहीं है, आप खुद को संभालें, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, उससे आपका वक्ती निकाह करवा देंगे, आपको वारिस जरूर मिलेगा। मेरी बात सुने, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफरीन हामिद, मैंने ये क्यों नहीं सोचा, तुम तो बड़े अकलमंद निकले। मेरे लिए दुनिया में कौन सी औरतों की कमी हो गई। आफरीन हामिद, आफरीन हामिद, आफरीन हामिद, आफरीन हामिद। आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम जिम्मेदार हो मेरे बच्चे की मौत के, तुम्हारी वजह से मेरा वारिस चला गया। मैंने कहा था आसिया को यहाँ लेकर आओ, लेकिन तुमने सारे प्लान को खाक में मिला दिया। आगा, मैंने उसे अस्पताल में हर जगह ढूंढा लेकिन वो भाग गई। हॉस्पिटल क्या लेने गए थे तुम? मैंने तुम्हें कहा था उसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। आगा, वो बार बार कह रही थी मुझे ऑफिसर का शुक्रिया अदा करना, तो मैं क्या करता? शुक्रिया अदा करना शुक्रिया, तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, मगर पहले तुम मेरा एक काम करोगे। आगा ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनो, आसिया को तुम मेरे पास लेकर आओगे, वो कहीं पर भी हो तुम ढूंढ कर उसे मेरे पास लाओगे। सुना तुमने? आसिया देगी मुझे वारिस, वो बनेगी मेरे बच्चे की माँ। आगा, आसिया, आप उससे निकाह करेंगे और अपनी बीवी बनाएंगे उसे? हाँ ऐसा ही करूंगा, वो देगी मुझे मेरा वारिस, आसिया मेरे बच्चे की माँ बनेगी। आगा, इसे तो पैसों का लालच दिया था, आसिया को वक्ती निकाह के लिए कैसे राजी करेंगे? वो बहुत तेज लड़की है। तुम्हें जितना काम कहा गया है बस उतना ही करो, मेरे पास लाओ आसिया को, अभी लेकर आओ, समझ गए ना? अभी लेकर आओ, अभी लेकर आओ। ठीक है आगा। लड़की को दफन करो, उसके बाद सारा सामान उठाओ, चलते हैं। बाबा और अम्मी की वफात के बाद खाला मुझे अपने साथ ले गई,
खाला ने कहा कि उस हादसे में माँ बाप के साथ मैं तुम्हें भी खो बैठी हूँ। मैं बच्ची थी और उनकी बात मान गई। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, बस यही वजह थी बात मानने की। मगर मैं दिल ही दिल में तुम्हारा इंतजार करती रही, बहुत दुआएं की कि शायद इन दुआओं से ही मुझे मेरा करीम वापस मिल जाए। करीम, उस दिन जब मैंने वो हार देखा तो मैं तुम्हें पहचान गई। तब पता चला कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। जानते हो करीम, ये हमारी किस्मत है, मुझे यकीन है इस पर। ऑफिसर करीम! जानते हो करीम, ये हमारी किस्मत है, मुझे यकीन है इस पर। जानती हो आसिया, जब तुम और अम्मी दोनों मुझे छोड़कर चली गईं, तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ती। तब मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया, यहां तक कि तुम्हारा नाम भी लेना छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी में जो खला पैदा हुआ वो कभी ना भर सका। लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे दिल ने तुम्हारा सालों इंतजार किया। करीम, देखो तुम मेरी तरफ, अब हम दोनों साथ हैं। आसिया, वो बचपन की मोहब्बत बचपन में रह गई, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन थे और तुम लोग कहां जा रहे थे? क्या ये बशीर की कोई नई चाल है क्या? अब मुझे सब कुछ सच बता दो। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? क्यों मुझ पर शक कर रहे हो? बताओ। देखो, मेरा नाम आसिया है। मैंने ना पहले तुमसे कभी झूठ बोला और ना ही अब बोल रही हूं। जिंदगी में बस दो ही लोगों पर भरोसा किया, एक अम्मी और दूसरा नाम आसिया। तुम दोनों ही मुझे छोड़कर चली गईं। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा आसिया? काश कि वो हार मुझे कभी ना मिलता और मैं यही समझती कि तुम जिंदा नहीं हो, तो फिर मैं अपने ख्वाबों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेती। अब मेरे वो सब ख्वाब टूट गए हैं जिनके सहारे मैं अब तक जिंदा थी। तुम वो करीम नहीं हो जिसको मैं अपने मासी में जानती थी। तुम भी तो मेरी वो माजी वाली आसिया नहीं हो। ऑफिसर करीम, आसिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। करीम, फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। करीम, मैं भी तुम्हारी वही आसिया हूं। चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कमांडर, कमांडर सब ठीक है ना? ऑफिसर, देखो आसिया को गोली लगी है। आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा आसिया। आसिया, मैं अभी मरियम के पास जा रहा हूं, उससे पूछूंगा कि आसिया ने कॉल की थी तुम्हें। तुम लोग इस लड़की को दफन करके हवेली आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। ऑफिसर करीम कहाँ है, क्या हुआ? कमांडर, ऑफिसर करीम उस लड़की के पीछे गया है, हमने उन्हें रोका मगर वो चले गए। क्या मतलब चला गया? तुम लोगों के यहां पर होते हुए वो कैसे चला गया, कैसे?
घबराना नहीं आसिया, कुछ नहीं होगा। तुम इतने सालों बाद मिली हो मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखना। करीम साहब, कमांडर साहब की कॉल आ रही है। तो उठाकर बात करो ऑफिसर, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हेलो कमांडर साहब। इब्राहिम, करीम लड़की को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से भाग गया है, क्या तुम अभी भी उस लड़की का पीछा कर रहे हो? मेरी बात सुनो, करीम लड़की का पूछे उसे कुछ मत बताना, अब मुझे रिपोर्ट दो। जी कमांडर साहब, वो सर ऑफिसर करीम और वो लड़की दोनों मेरे साथ ही हैं। लड़की को गोली लगी है, उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। जैसा आपका हुक्म कमांडर। कमांडर साहब बहुत गुस्से में है करीम सर, हॉस्पिटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं कोई और बात नहीं सुनना चाहता ऑफिसर, तुम बस तेज गाड़ी चलाओ। डॉक्टर से बोलो कि इमरजेंसी केस आ रहा है, किसी को गोली लगी है, ऑपरेशन के लिए रेडी रहें, जल्दी जाओ। जी कमांडर, जैसे आपका हुक्म। क्या हुआ? करीम तो ठीक है ना, उसे तो गोली नहीं लगी। आप कौन है और ये क्यों पूछ रही हैं? उसकी बीवी हूँ मैं। बीवी हो? करीम शादीशुदा है, ये मैं नहीं जानता था। खैर, लेकिन गोली करीम को नहीं लगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आसिया के घर वालों को फोन करो, हो सकता है खून की जरूरत पड़े, और उनसे कहो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, उनकी जरूरत है, जल्दी करो। जैसा आपका हुक्म कमांडर। अल्लाह करे मर ही जाए, जान छूटे उससे। इसका मतलब आसिया का इस सब में कोई कसूर नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ मूसा और उसके बाबा ने किया। पता नहीं मेरी बेटी आसिया किस हाल में होगी। सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करो तुम, मेरी बात सुनो। आसिया अगर आए तो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, बशीर साहब ने उसे माफ कर दिया है। आसिया आए तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था हामिद, वो यहाँ नहीं आएगी। हेलो। जी मैं हूँ। जी ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। जी ठीक है, आप फिक्र ना करिए, मैं पहुँच रही हूँ। क्या हुआ? आसिया बेटी को गोली लगी है। किसने मारी है? मैं नहीं जानती हामिद, मुझे तो लगता है ये काम मूसा के ही आदमियों का होगा। उसने मुझे फोन भी किया था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। ये क्या कर दिया मैंने, ये तुमने क्या कर दिया मरियम? अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, अस्पताल चलते हैं, मैं आगा को भी बताता हूँ। जल्दी से स्ट्रेचर लाओ, लड़की जख्मी है। जल्दी करो। जरा ध्यान से, इसे पेट में गोली लगी है। इस लड़की को पेट में गोली लगी है सर, लड़की की हालत बहुत खराब है सर। मरीज का ब्लड ग्रुप किसी को पता है? ओ पॉजिटिव। ठीक है, जल्दी से ब्लड का इंतजाम करें। आप लोग यहीं रुकें। कमांडर साहब, हाँ, इस लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कैसे मालूम? कमांडर साहब, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना करीम? बहुत डर गई थी मैं तो। अभी तक गई क्यों नहीं तुम? ऑफिसर करीम, अपनी बीवी से बात करने के बाद मुझे अंदर आकर मिलो। इब्राहिम, तुम मेरे साथ आओ। जैसा आपका हुक्म कमांडर। क्या कहा है तुमने उनसे? हाँ? छोड़ो, मेरा बाजू दर्द कर रहा है। मैंने पूछा क्या कहा तुमने? क्या किया, बस यही बताया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझ गई? आइंदा ऐसा कुछ मत कहना। मेरे जो भी दिल में आएगा मैं वही करूँगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। दफा हो यहाँ से। बशीर साहब, मेरी आसिया का कोई जुर्म नहीं था, मैंने उसे खामखा इतना बुरा भला कहा, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। इस सब का जिम्मेदार मूसा और उसका बाप है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे भी अफसोस है, हमने आसिया को गलत समझा, ये इन बातों का वक्त नहीं, चले आए। आसिया को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आसिया हिम्मत वाली लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा। बशीर साहब ठीक कह रहे हैं मरियम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो।
मेरा बात सुनो, मेरी भांजी अस्किया को गोली लगी है, मुझे बताएं वो ठीक तो है ऑफिसर। बाजी आप बैठकर इंतजार कीजिए, डॉक्टर अभी ऑपरेशन कर रहे हैं। आओ मरियम, बात सुने, मुझे बताएं मेरी बेटी अब कैसी है। अभी ऑपरेशन हो रहा है। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी करीम, और मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। मरियम, मुझे हौसला रखो। मरियम आओ उधर बैठते हैं। आगा, आसिया को शेख के लोगों ने गोली मारी है, अगर वो मर गई तो? वो नहीं मर सकती हामिद, नहीं मर सकती। और मैं एक बात जरूर जानता हूं, जब तक वो मुझे बेटा नहीं देती मैं उसे चैन से मरने भी नहीं दूंगा। अब उस पर मेरा हक है। मैं आसिया से मिलने अंदर जा रहा हूं, तुम इस दफा ध्यान से रहना, ठीक है ना? ये क्या नई कहानी है, और कैसा शेख, ये लोग क्या कह रहे हैं? मैंने आसिया को रिहा किया, उस पर इब्राहिम की ड्यूटी लगाई, और क्रेन तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अब देखो क्या हुआ, किस जगह हैं हम, और अब पता नहीं वो बचती है या नहीं। मुझे लगा ये लड़की भी उन लोगों की साथी है ऑफिसर, लेकिन वो लोग तो इसे अगवा कर रहे थे। वो मेरी गलतफहमी थी, लड़की तो बेगुनाह है ऑफिसर। अब क्या हुआ तुम्हें, आसिया मौत के साथ लड़ रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आओ। कमांडर, जैसा आपने कहा था, उस लड़की की फैमिली को बुला लिया गया है, वो लोग आ गए हैं और उनके साथ बशीर का ताराय भी है। मेरी बात सुनो, मेरी इजाजत के बगैर उससे कोई नहीं मिलेगा, समझे? तुम इसमें दखल नहीं दोगे ऑफिसर। इब्राहिम तुम जाओ, जाकर देखो। जैसा आपका हुक्म कमांडर। ऑफिसर, आज जो ऑपरेशन हुआ है उस पर कमीशन तुमसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्रेन कमीशन का सारा ध्यान तुम पर होगा, और ये जरूर पूछा जाएगा कि तुमने इदारे के रूल्स क्यों तोड़े। यानी मुजरिमों को पकड़ने पर भी सवाल मुझसे ही पूछे जाएंगे, उल्टा मुझे ही मुजरिम बना दिया। कोई मुजरिम से भी पूछे, लेकिन नहीं, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मगर इदारे के भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब अगर कोई गलती हुई तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। कमांडर साहब, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे अजीज अपनी ड्यूटी है, और मैं अपनी ड्यूटी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। अब तो मैं उस बशीर को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। अपनी बीवी की परवाह करो, देखो कितनी परेशान है वो। कमांडर साहब, वो लड़की मेरी बीवी नहीं है, वो बस पेपर मैरिज थी जो मजबूरी में की, और कुछ नहीं। तुमने जो काम किया ऑफिसर, उसे करते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि वक्ती निकाह जायज है, ये हरगिज जायज नहीं है। तुमने एक ऑफिसर होने के बावजूद ये गलती की करीम, हम वक्ती निकाह को रोकते हैं और तुमने क्या किया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। कमांडर साहब, ये मेरा जाती मसला है, मैं माफी चाहता हूं, मगर आप इस मामले में दखल अंदाजी मत करें। ऑफिसर, कमांडर की हैसियत से नहीं, इंसानियत के नाते तुम्हें कह रहा हूं, दीन के रास्ते पर जाना है तो कुरान पढ़ो, अगर फिर भी तुम्हारा जमीर राजी है तो मैं और तुम्हें नहीं समझाऊंगा। आ जाओ। कमांडर साहब, आसिया का ऑपरेशन हो चुका है, रूम में शिफ्ट कर दिया है। ऑफिसर, अब ये कैसी हैं? अब ये ठीक हैं, आप परेशान ना हो, इनके पेट में से गोली निकाल ली गई है, बहुत लकी हैं ये। शुक्र है खुदा का। क्या पता तुमने सच ही कहा हो, जो भी हुआ शायद इसीलिए हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल सकें। अल्लाह पूछेगा इसे, इस लड़की ने तो सब बता दिया।
जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ये तुम्हारे पास रहेगा। करीम, मुझे कभी अकेला ना छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे कभी ना छोड़ना। छोड़ूंगा आसिया। कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी करीम, और मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। आसिया, आसिया तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। बशीर साहब, यहाँ आने की कोई खास वजह? मेरा बेटा, मेरी जान। तुम बशीर और उस लड़की का पीछा छोड़ दोगे? अपने हद में रहो ऑफिसर। तुम मुझे मेरा होने वाला वारिस दोगी आसिया?